तो हाय गाइस, मनूर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ आप छोटा सा ब्लॉग आप सभी के लिए। और उस ब्लॉग में है मैंने मतलब खुद मेरा शादी के बाद मेरा पहला वैलेंटाइन है ये मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कुछ स्पेशल किया जाए और मतलब पहली बार वैलेंटाइन आया था इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना रूम को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो उसको डेकोरेट किया है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने एक थोड़ी ऐसी साड़ी भी पहनी है जो मैंने फर्स्ट टाइम इस साड़ी को रेडी किया था ना, उसका ब्लॉग मैंने फर्स्ट टाइम इस साड़ी को बनाया था। तो वो साड़ी के आज मैंने पहनी है आप सभी के सामने। और मैंने आप सभी को तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है। तो चलो चलते हैं और वीरजी से भी मिलवाएंगे, देखते हैं। और चलो आपको बुला आपको तो गाइस देखो मैंने कितने अच्छे से इसको सजाया हुआ है। तो देखो गाइस मैं बड़ा वाला फूल तो नहीं लेके आई हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला और इस वजह से तो मैंने जो फूल मैं अपने सजाने के लिए लेके आई थी वही फूल से मैं अपना काम चलाऊंगी। और यही फूल मैं आज हैप्पी वैलेंटाइन डे पे जैसे दिन पर मैं अपने वीरजी को दूंगी उसके लिए ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़े से पत्ते हैं डाली है इसलिए, नहीं तो वैसे अच्छा वाला लाना चाहिए था। पर कोई नहीं, ये भी दे दो, गुलाब है तो गुलाब भी ना। तो ठीक है चलो मैं दिलवाती हूँ आपको पूरे रूम से, ठीक है, कि कैसे डेकोरेट किया मैंने। तो देखो गाइस मेरा फर्स्ट डेकोरेशन मैंने अपनी टेबल का किया था और फिर मैंने इधर की साइड ये स्टार वगैरह लगाए थे और इधर की साइड ये थोड़ा सा डेकोरेशन है। और फिर उसके बाद मैंने एक बलून्स पड़े हुए हैं एक दो फूट गए हैं और फिर मैंने डेकोरेशन किया है ये वाला, तो आप देख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा डेकोरेशन ज़रूर बताना, ठीक है। और देखो गाइस तो मैंने ये अपने रूम का डेकोरेशन किया था तो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। और तो चलो अब मिलवाते हैं वीरजी से एक फूल के साथ ऐसे, ठीक है। तो और देख सकते हो इधर भी मैंने अपने रूम की टेबल सजाई हुई है। तो चलो लाइट ऑन करते हैं फिर आप सभी को। तो देखो गाइस ये रहा मेरा रूम जो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया था और वो रही वो टेबल और ये रही इधर लाइट्स वगैरह। तो जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको मेरे रूम का डेकोरेशन कैसा लगा, ठीक है। तो छोटा सा बस। और ये मेरे को देख सकते हो आप, मेरे को मैं रेडी हो चुकी हूँ। और इधर मैंने अपनी टीवी की साइड में स्टार्ट, आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है, लाइटें लगा दी और इधर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे की साइड भी बहुत सारे बलून कितने सारे लगा दिए हैं और यहाँ पर ही बहुत सारे बलून पड़े हुए हैं। काफी मेहनत की है। तो गाइस आप देख सकते हो मन्नू ने कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है, ये उन्होंने ही केवल उन्होंने और उनकी सिस्टर ने ही किया है, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो कुछ काम से बाहर गया होता। और काफ़ी अच्छे से लाइट वाइट लगा के इधर की साइड भी, तो काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा लग रहा है रूम एकदम, ऐसा लग रहा है बर्थडे पार्टी हो इस तरीके से। इधर भी इन्होंने कुछ चीज़ें लगाई है स्टार वगैरह। तो गाइस आप भी बताइए किस किस ने इस तरीके से सेलिब्रेशन किया, कि जैसे भी रूप में छोटे मोटे कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्या है, ठीक है गाइस।